कहेंगे जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान को भी बना देंगे? हाँ, सबसे पहले मैं अभिवादन करूंगा आपको, सभी दर्शकों को, पैनल में जितने मित्र बैठे हैं सभी को बोलूंगा जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, वंदे मातरम। जी एक बार प्रश्न फिर से कर दे प्रतिमा जी। जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, उस पर सबसे पहले आपका आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ। मैं बहुत प्रसन्नता पूर्वक मैं भी इसे इस बात पे सहमत अपना जाहिर करता हूँ और साथ ही साथ पैनल में बैठे सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा, भारत हमारा है, आप भी भारत के हैं, हम सभी भारत के हैं। हम सबों का कर्तव्य बनता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब जो उल्टे अर्थ लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम राम राज्य की कल्पना है, राम राज्य में सभी मिलकर रहेंगे। रह गई पाकिस्तान की बात, तो मैं तो बोलता हूँ कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और अगर पियो के मांगोगे तो चीर दूंगा, और यदि ज्यादा इधर उधर किए तो लाहौर भी छीन लूंगा। और इस बल पे बोलता हूँ कि जितने पैनल में बैठे हैं सभी मित्र एक हो जाए, भारत को उस परम वैभव को पहुंचाए, क्योंकि हम सभी के पूर्वज एक थे, हम सभी एक थे, हम सबों का डीएनए एक है। हम सभी मिल जाए तो पाकिस्तान से हमसे कटके निकला है। हम अखंड भारत की बात करते हैं, और पाकिस्तान ही नहीं, हम पाकिस्तान बोले, म्यांमार बोले, जितने भी हमारे कटके गए बांग्लादेश, सभी को अखंडता की बात करेंगे। अखंड भारत का नारा भारत। जी जी, आपने जो कहा उस पर मैं साजिद रशीदी साहब का रिएक्शन चाहूंगी। सर देखिए, ये जो बयान बहादुर बैठे हैं टीवी पर, या बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये सब बयान बहादुर हैं। हमने आज़ादी को देखा है, हमने अंग्रेज़ों के साथ जब लड़ाई हुई थी उस वक्त में देखा है ये सब लोग कहाँ थे और ये क्या सोच रहे थे और देश के प्रति इनका क्या कहना था। ये वो लोग हैं जो जेल में बैठकर भी माफ़िया मांग रहे थे और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के साथ दूसरी जगहों पर बैठकर सरकार बनाने की बात कर रहे थे। ये बयान बहादुर हैं। मैं उस वक्त की कल्पना नहीं कर सकता, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से इस बात पर जंग हो गई कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जंग हो गई, तो मुसलमान तो पाकिस्तान के सामने आएगा जंग लड़ने के लिए, लेकिन ये जो बयान बहादुर हैं इनका पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए ये लोग। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करते हैं, जो बात करते हैं, वो इस देश के हित में नहीं है। वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। इस देश का जो सद्भाव है, इस देश का जो कल्चर है, और इस देश को जो पूरी दुनिया में जिस कल्चर और जिस सद्भावना की वजह से जाना जाता है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में इसीलिए अच्छा और सही जाना जाता है क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं और प्यार से रहते हैं और एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी के साथ रहते हैं। देखिए, मैं वो वाहिद आदमी हूँ, 2008 में जब करगिल जंग हुई थी, मैंने मुख्तार अब्बास नकवी के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। और मैंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की हुकूमत हमें इजाज़त दे तो हम हिंदुस्तान के तमाम इमाम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं जी। हिंदू कोई खड़ा होकर सामने नहीं आया था, ना किसी बाबा ने बोला था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं, ना किसी महंत ने बोला था। कुल मिलाकर रशीदी साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर? इस तरीके के बयानों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल भारत के डीएनए से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आप कहना क्या चाहते? बिल्कुल माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश। इससे फायदा किसका हो रहा है मुझे बताइए, आप ये कहें ना सीधा सीधा, इससे फायदा किसको हो रहा है? उस हिंदू राष्ट्र की आप कल्पना कर सकते हैं जिसमें जय श्री राम कहकर जो है लिंचिंग कर दी जाती हो, जिसमें ये कहा जाता हो कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, अगर ये कहा जाता हो मुसलमान के दोस्तान कब्रस्तान या पाकिस्तान, शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह के बयान देते हुए, और फिर कहते हैं कि हम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ऑनियर ना करें, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा में रहकर, बिल्कुल बिल्कुल मर्यादा में रहकर सर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें, आप अपनी बात रखें। इस बीच मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, तो आप इस तरीके की बातें नेशनल टेलीविजन पर नहीं कह सकते। मैं समझ गई, आप अगर आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके की
भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो आप नेशनल टेलीविजन पर ऐसी बातें नहीं कह सकते। रशीदी साहब आप डिबेट्स में जाते रहे, आपको ये पता होना चाहिए आप क्या कह सकते क्या नहीं कह सकते। मैं चाहूंगी तस्लीम अहमद रहमानी साहब आप आए और आप बताएं कि जिस तरीके से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कहा गया कि तैयारी करके नहीं तैयारी कर सर मैं आपको बता दूं, रशीदी साहब गालियां भी दी जाती है तो क्या आप नेशनल टेलीविजन के डिबेट पर आकर गालियां देंगे? मुझे इतना बताइए तैयारी का क्या मतलब है? नेशनल टेलीविजन के डिबेट पर आकर आप क्या गाली देंगे? आप एग्जांपल दे, मैं ये कह रही हूँ आप एग्जांपल के तौर पर नारे के लिए भी आप क्या ये बताएंगे कि ये कहा जाता है? नहीं आप बकवास कर रहे हैं, आप लैंग्वेज पहले अपनी देखिए। आपने अगर नहीं आप नहीं बोलेंगे ये, आप नेशनल टेलीविजन पर इसको नहीं, आप इनका माइक अभी डाउन रखें, ये अपनी बात नहीं समझ रहे, इनका माइक डाउन रखा जाए। नहीं आप नेशनल टेलीविजन पर ये बातें नहीं कर सकते, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं सर, नेशनल टेलीविजन पर आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैं आपको जो समझा रही हूँ आपको सुनना होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ तो ये आप कह सकते हैं लेकिन इससे पहले जो आपने कहा वो नहीं हो सकता है। तैयारी करके नहीं बैठते, नहीं तैयारी आपकी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पर आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते। आपको किसी ने बिल्कुल नहीं बताया? नहीं बिल्कुल नहीं, बीजेपी के नारे जो आपको पता होना चाहिए आपको, नहीं नारे तक ठीक है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पर आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रहने दीजिए तस्लीम अहमद साहब, आप अपनी बात रखें और मैं बता दूं यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनको मैं बता दूं भी किसी भी तरीके की असभ्य भाषा को यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अपनी बात रखें सर, नहीं निकल सकते। पहले बताइए मैंने गाली किसको दी है? एक्चुअली भड़काना चाहते हैं आप, पहले मुझे ये बताइए गाली मैंने किसको दी है? आपने अभी जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो गाली की श्रेणी में आता है, ऐसी गाली की श्रेणी में आता है वो। मैं बेनकाब करना चाहता हूं, गाली की श्रेणी में आता है। आप जिस शब्द का इस्तेमाल आपने नारे के तौर पर किया वो गाली की श्रेणी में आता है। आप बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है मुझे, आप और इसे कोई भी इस्तेमाल करे जिसने नारे लगाए अगर वो भी इस्तेमाल करता है तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। रशीदी साहब ये भी सुन लीजिए, अगर आप कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये भी कह रही हूँ रशीदी साहब, सुनने की हिम्मत रखिए रशीदी साहब। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस तरीके के नारे सड़क चलता कोई भी लगाता है उसे भी एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, पर आप नेशनल टेलीविजन पर है, मर्यादा रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर है, अब रुकिए आपकी बारी, फिर आप वही कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं। मैं आपका माइक म्यूट करवाऊंगी सर, आप बार बार वही कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप नेशनल टेलीविजन पर बार बार क्यों बोल रहे हैं?